नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपने एडजेक्टिव में आगे बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स की, और साथ ही बात करेंगे आज अपने इस क्लास में एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव के साथ डिग्री की भी। तो पिछली क्लासों तक आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के टाइप्स मतलब काइंड्स, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। थोड़ा सा पार्ट एक एडजेक्टिव का बच जाता है यहाँ पर, जिससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसकी बात करते हैं। साथ ही आज अपने जानेंगे डिग्री से रिलेटेड कुछ बातें, और इस एडजेक्टिव के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट की, क्या इंपोर्टेंट है यहाँ पर उसकी बात की जाए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो अलग अलग टाइप के जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी एक सीरीज होती है, जिस सीरीज की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। कि एक होता है एडजेक्टिव ऑफ साइज, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज होते हैं। ये किसी एडजेक्टिव का साइज, ये किसी नाउन का साइज बताने के लिए आते हैं। दूसरे हैं स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, ये सामान्य जानकारी देते हैं नाउन की, जैसे गुड, बैड, फाइन, शार्प वगैरह। इसी तरह तीसरे टाइप के एडजेक्टिव हैं, वो है एडजेक्टिव ऑफ एज, एज बताते हैं ओल्ड है कि यंग है कि एंशियंट है कि मॉडर्न है। एंशियंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, और मॉडर्न का आपको पता ही है, मॉडर्न क्या होता है आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। और एक होते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप, ये राउंड है, स्फेरिकल है, ऑब्लोंग है, रेक्टेंगुलर है, ये सारे बताने के लिए जो होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ शेप आते हैं। अब आपको यहां पर स्फेरिकल का तो अर्थ पता ही होगा कि ये होता है गोलाकार, ये क्या होता है गोलाकार, आकृति बताने के लिए होता है ये गोलाकार। और ये जो है रेक्टेंगल, ये भी आपको पता ही होगा, जिसको अपने बोलते हैं आयताकार, आयताकार गोलाकार, ठीक है। ये सारी जो राउंड, स्फेरिकल, ऑब्लोंग, रेक्टेंगल, ये आपको पता ही है सारे, ये एडजेक्टिव ऑफ शेप की बात करते हैं, मतलब किसी चीज की शेप को बताने के लिए इनका प्रयोग चारों का किया जाता है। और फिर आते हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, कलर आपको पता ही है। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन क्या होती है उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात की जाती है यहाँ पर। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, जिसमें मटेरियल नाउन आती है सारी। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, किसी प्रकार का उद्देश्य बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जिस सीरीज में लगे हैं ना, इसी सीरीज में इनका प्रयोग होता है। अगर किसी एक नाउन, मान लो कि किसी सेंटेंस में कोई नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, मान लो कि एक एडजेक्टिव आता है साइज का और एक एडजेक्टिव बताना है अपने को कलर का, तो पहले क्या लिखा जाएगा साइज, क्योंकि देखो एक नंबर पे क्या है साइज और कलर कहां पर है, कलर ये रहा, पांच नंबर पे कलर है। तो अगर किसी नाउन का साइज और कलर बताना है तो पहले अपने को साइज बताना है, फिर कलर बताना है। और इसी तरह मान लो कि किसी नाउन के संबंध में ये जो आठ एडजेक्टिव, आठ प्रकार के एडजेक्टिव यहाँ पर दे रखे हैं, किसी नाउन की एज बतानी है और शेप बताना है तो पहले एज आएगी फिर शेप, किसी नाउन का कलर बताना है और जनरल डिस्क्रिप्शन देना है तो पहले जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे फिर कलर बताएंगे। मतलब ये जो सीरीज दे रखी है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, इसी सीरीज में ही अपने को सूचना यहाँ पर देनी होती है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, यहाँ पर देखो लॉन्ग और ये है ब्लैक, एक है लॉन्ग और ब्लैक, लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा ये रहा लॉन्ग, और फिर ब्लैक कहाँ है, ब्लैक कलर के अंदर आएगा, यहां पर आएगा कलर के अंदर। तो इस नाउन, ये जो हेयर नाउन है, इसके बारे में हमने सूचना देनी है, एक तो साइज की, एक कलर की। तो पहले क्या आएगा, पहले क्या आना चाहिए था साइज, ये पहले आना चाहिए था और कलर बाद में आना चाहिए था। इसका मतलब इस सेंटेंस में यहां मिस्टेक है, इसको अपने को क्या लिखना है लॉन्ग ब्लैक। तो यहां पर सही जो होगा वो लॉन्ग ब्लैक होगा, हर
लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर ऑफ हर लुक्स। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप की गलती के काफी बार जितने भी एग्जाम आप देखोगे, एसएससी का, बैंक का, एयरफोर्स का, एनडीए का, नेवी का, जितने भी जहां कॉमन एरर के क्वेश्चन बनते हैं, तो एडजेक्टिव की इस सीरीज से क्वेश्चन बनता है। यहां पर ये आठों सीरीज अपने को याद रखनी है, आपको इनका क्रम याद रखना है कि पहले साइज आएगा, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर एज आएगी, फिर शेप आएगी। ये सारे नहीं पूछता है कि सेंटेंस में कोई भी दो पूछे, तीन पूछे, तो वो उनके क्रम में ही अपने को लगाना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आई बिगेन ट्रेम्बल व्हेन आई सा ए शार्प लॉन्ग। देखो यहां पर शार्प और लॉन्ग ये दो चीजें आई हैं, नाइफ इन माय एनिमीज हैंड, मैं कांपने लगा जब मैंने मेरे दुश्मन के हाथ में एक शार्प लॉन्ग नाइफ देखा, एक शार्प लॉन्ग चाकू देखा। अब देखो एक तो आ रहा है शार्प, ये नाइफ जो है ये नाउन है, इस नाउन की इंफॉर्मेशन, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए दो एडजेक्टिव के यूज हुए हैं, एक तो शार्प एडजेक्टिव यूज हुआ है और एक लॉन्ग एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब इनका क्या क्रम सही है या गलत, इसको अपने देखते हैं। पहले शार्प आ रहा है तो ये रहा शार्प, और उसके बाद आ रहा है लॉन्ग, यानी कि जनरल डिस्क्रिप्शन के तहत आता है शार्प, तो जनरल डिस्क्रिप्शन के तहत आता है, तो ये तो बाद में आना चाहिए ना, ये तो दो नंबर पे आता है। पहले नंबर पे तो क्या आता है लॉन्ग, एडजेक्टिव ऑफ साइज, पहले नंबर पे ये आना चाहिए और दूसरे नंबर पर ये आना चाहिए, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को बताने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, लॉन्ग शार्प, लॉन्ग और शार्प, ये होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस ऐसे होता, आई बिगेन ट्रेम्बल, ये टी नहीं है दोस्तों यहां पर, ये ट्रेम्बल यहां आ गया, आई बिगेन ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ ए लॉन्ग शार्प नाइफ इन माय एनिमीज हैंड, इस तरह से ये सेंटेंस होता तो ये सही होता। अगर हम इसको कहें कि ये इसका ए पार्ट था, ये इसका बी पार्ट था, ये इसका सी पार्ट था, ये इसका डी पार्ट था और ये ई पार्ट था, तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में, सी पार्ट में एरर है, तो यहां पर जिस पार्ट में एरर होती है वही हमारा आंसर होता है। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है तो यहां पर आंसर क्या होगा, सॉरी ए पार्ट में एरर है, यहां पर ए पार्ट में, बी पार्ट ये है, तो इसका आंसर ए बन गया। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो कि आई सा एन एक्सियस पेल गर्ल, पेल ये कलर को बता रहा है, पीलापन, फीका या पीला जिसको कहते हैं अपने, इसको हम फीका भी कह सकते हैं, जैसे डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, उसकी बात कर रहा है। एनेक्सियस चिंतित, आई सा एनेक्सियस पेल गर्ल हु व्हेन आस्क्ड मी नो दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो यहां पर देखिए एनेक्सियस और यहां पर पेल गर्ल, कलर जो है यहां पर बताया जा रहा है और इसका जो है एनेक्सियस एक टाइप का क्या बताया जा रहा है, बताओ इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन है या फिर साइज है या फिर एडजेक्टिव ऑफ एज है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है या पर्पस है। इनमें इन जितने आठ क्रम मैंने दे रखे हैं इनमें से इनका सही क्रम क्या होगा वो आपको देखना है और मुझे बताओ कि यहां पर क्या मिस्टेक हो सकती है। स्टूडेंट्स बताएं फटाफट, क्या ये क्रम यहां पर एनेक्सियस फेल वाला क्रम सही है या गलत है, फटाफट से आप देखें और इसका आंसर बताएं, क्या ये सही है या गलत। आई सा एनेक्सियस पेल गर्ल व्हेन आस्क्ड लेट मी नो दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो कोरोना चल ही रहा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो क्या ये सही है या गलत है आपको देखना है, क्रम सही है या गलत है इसका। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पेल जो है कलर कहां है, ये रहा कलर, कलर जो है वो पहले आता है और जो पर्पस है वो बाद में आता है, इसलिए यहां पर जो है अपने को पेल पहले लिखना है और एनेक्सियस बाद में लिखना है,
तो यहां पर इसका मतलब गलती कौन से पार्ट में है, अगर ये ए पार्ट है तो ये बी पार्ट है, तो यहां पर बी पार्ट में इस सेंटेंस में एरर मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर किस कहां पर एरर मानी जाएगी, इस क्वेश्चन के बी पार्ट में एरर मानी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये क्रम यही होना चाहिए, साइज हो या जनरल डिस्क्रिप्शन हो, एज हो, शेप हो, इसी क्रम में इनको अपने को लिखना है। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं अपने, ये भी एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बट इससे संबंधित नहीं है, जो भी हमने ये पढ़ा है इससे संबंधित नहीं है, ये तो आपने जो शुरुआत से लेकर पिछली कक्षाओं में एडजेक्टिव पढ़ा है उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि दीज शॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। हुक और क्रुक स्टूडेंट्स एक ईडियम होती है जिसका अर्थ होता है जैसे तैसे करके, मतलब साम दाम दंड भेद, हुक एंड क्रुक। ये जो हुक एंड क्रुक है ये एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है साम दाम दंड भेद, यानी कि जैसे भी हो वैसे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि दीज शॉर्ट ऑफ मेन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन एंड नो एरर। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या एरर हो सकता है अपने को सोचना है। तो यहां पर हमने देखें कि दीज सॉर्ट ऑफ मेन, सॉर्ट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉर्ट का अर्थ होता है टाइप, टाइप मतलब प्रकार, टाइप मतलब प्रकार। अब एक आपको पता है, एक तो होता है टाइप और एक होता है यहां पर, एक होता है टाइप्स, एक होता है टाइप एंड एक होता है टाइप्स, टी वाई पी ई एस। और प्रकार टाइप टाइप्स होते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और ये जो शॉर्ट वर्ड है ना ये सेम ऐसा ही अर्थ देता है, ये मान लो कि सिनोनिम है इसका, इसका मतलब S O R T sort भी होता है जो कि सिंगुलर होता है, S O R T S sorts ये जो कि प्लूरल होता है। अब देखो इससे पहले लिखा हुआ है these, तो these लिखा है तो these type नहीं होता, these types, these sort के sorts, तो यहां पर these लिखा है तो इसको क्या होना चाहिए था sorts, इसको क्या करना चाहिए अपने को sorts, इसको प्लूरल बताना चाहिए, these shorts of men, ये भी देखो प्लूरल है। अगर अपने ऐसे लिखते these boy तो क्या ये सही होता, these boys सही, boys सही होता ना प्लूरल, तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, short नहीं होगा, क्या होगा shorts, ये प्लूरल है तो ये नाउन भी प्लूरल होगा। these shorts of men attain worldly success by hook and crook so they deserve to be looked down upon no error। तो स्टूडेंट्स यहां पर short नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए shorts, मतलब इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है जिसको आप ए मान लो, तो इस सेंटेंस का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस व्हिच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल नो एरर। तो स्टूडेंट्स बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस व्हिच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल एंड नो एरर। तो इसको अगर अपने पार्ट कर देते हैं, ये मान लो कि ये इस सेंटेंस का ए पार्ट है और ये इस सेंटेंस का बी पार्ट है और ये इस सेंटेंस का है सी पार्ट, ये इस सेंटेंस का है डी पार्ट और यहां पर है नो एरर। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो स्टूडेंट्स एरर बताने से पहले मैं आपको एडवर्ब के बारे में थोड़ा बता दूं कि एक होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, अगला टॉपिक अपना यही है, एडवर्ब पढ़ेंगे अगला टॉपिक एडजेक्टिव के बाद। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, वहां जाकर हम पढ़ते हैं कि एल वाई वाले जो शब्द होते हैं ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जैसे कि इजिली, क्विकली, अनडाउटली, ठीक है क्विकली, और इसी तरह ये लविंगली भी,
लविंगली भी क्या है, एडजेक्टिव है, बट यहां पर ये जैसे रिमार्केबली है, देखो रिमार्केबली। और एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो नाउन को भी मोडिफाई कर सकता है और जो है एडजेक्टिव है उसको भी नाउन को नहीं करता, सॉरी एडवर्ब को खुद को भी मोडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मोडिफाई कर सकता है और वर्ब को मोडिफाई कर सकता है। एडवर्ब का क्या काम है, एडवर्ब खुद को मोडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को और वर्ब को। तो यहां पर जो है ना ये एडवर्ब है और ये लविंगली एलवाई वाला शब्द भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को मोडिफाई कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ अपीयरेंस जो है वो नाउन है और नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए यहां पर और एडजेक्टिव को मोडिफाई कर सकता है कौन, एडवर्ब। अब ऐसा तो होगा नहीं कि नाउन को मोडिफाई कर सकता है एडवर्ब, हालांकि एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है ना, तो ये लविंगली एडवर्ब है लेकिन नाउन को तो मोडिफाई नहीं कर सकता ना ये, इसलिए यहां पर एडवर्ब की जरूरत नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है। हाँ एडजेक्टिव को मोडिफाई कर सकता है एडवर्ब, तो एडजेक्टिव क्या होगा, लविंगली तो एडवर्ब है तो एडजेक्टिव क्या होगा, तो यहां पर होगा लविंग, लविंग। लविंग जो है ना ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है और लविंगली एडवर्ब होता है, और एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यहां पर लविंगली नहीं आना चाहिए, यहां पर एडवर्ब की एडजेक्टिव की जरूरत है, तो वो क्या है, लविंगली, लविंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, शी हैज ए रिमार्केबली लविंग अपीयरेंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल नोएर। तो यहां पर इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है कि ये लविंगली नहीं होगा, लविंग होगा, लविंग एडजेक्टिव होता है जबकि लविंगली एडवर्ब होता है, और एडवर्ब इस नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडवर्ब एडजेक्टिव को जरूर कर सकता है, इस लविंग को कर सकता है मॉडिफाई, जैसे एडवर्ब खुद को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसके बी पार्ट में एरर है, लविंगली की जगह लविंग होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट, नो एरर। तो सोचिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या मिस्टेक हो सकती है, ए लॉट्स ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ मैंने आपको बता रखा है, सोचिए यहां पर क्या एरर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर ए लॉट्स ऑफ लिखा है, ए लिखा है तो फिर ये क्या होना चाहिए, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ नहीं होगा, ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट। ए लॉट ऑफ होता है, ए लॉट्स ऑफ नहीं होता, लॉट्स ऑफ अकेला हो सकता है लॉट्स ऑफ बुक्स, बट ए लॉट ऑफ होगा ना कि लॉट्स ऑफ। तो यहां पर इस सेंटेंस में भी अगर अपने ए और इसको बना देते हैं बी और इसको बना देते हैं सी, इसको बना देते हैं डी, इसको बना देते हैं ई, तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर होती है उसी को हम क्या मानते हैं, आंसर मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नो एरर। तो सोचिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती हो सकती है, देखो यहां पर क्या गलती होगी, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या मिस्टेक होगी, देखें ध्यान से समझ के क्वेश्चन को आंसर देना है, और अगर कोई डाउट होता है तो फिर आपको मुझसे बात करनी है, मैसेज करना है, इसी में यहीं पर इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, मैं आपके उत्तर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट यहां पर देखो मिस्टेक क्या है, अगर आपने देख ली तो यहां पर अदर्स का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, अदर का प्रयोग होगा। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर अदर्स का प्रयोग ना होगा, किसका प्रयोग होगा, अदर का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि जो अदर्स का प्रयोग होता है वो जैसे अपने बोलते हैं एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, ये सभी जो है ना यहाँ पर अदर्स नहीं हो सकता, सिंगुलर होना चाहिए, अदर्स ना होकर इसका जो एस है वो ना होकर ओनली अदर का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस के भी अगर अपने पार्ट बना दें ए
बी आपका सी और ये हो गया डी और ये ई। तो यहां पर भी गलती कहां होगी, अदर्स नहीं होगा अदर होगा। तो इसके कौन से पार्ट में गलती हुई, बी पार्ट में। आंसर क्या हुआ, बी। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, नो एरर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर बताएं। देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, कि दिल्ली जो है वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा है, दिल्ली का कंपैरिजन पूरे पाकिस्तान से कर रहा है। मेट्रोपोलिस जो मेट्रोपोलिस सिटी होती हैं, जो महानगर होती हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये दिल्ली जो है हमारा पूरे पाकिस्तान से बेटर है, पूरे पाकिस्तान से अच्छा है। सिर्फ पाकिस्तान के एक शहर की बात नहीं कर रहे हम, हमारा दिल्ली ही पूरे उस देश से अच्छा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है उसको आपको ढूंढना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या एरर हो सकती है इस सेंटेंस में। यहां पर भी वो पहले जैसी ही मिस्टेक है, तो क्या मिस्टेक होगी, एनी अदर। तो यहां पर स्टूडेंट देखो, एनी अदर जो लिखा ना, ये अदर नहीं होगा, क्या होगा, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। यहां पर अदर का प्रयोग सेंटेंस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनी अदर होता है ना, कि एनी अदर जब होता है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, तब किया जा सकता है, दो नाउन दे रखी है वहां पर तब। बट यहां पर जो है एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, एक दिल्ली की तुलना जो है पूरे पाकिस्तान के साथ की जा रही है, इसलिए यहां पर हम एनी के साथ अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस में एनी के बाद जो ये अदर लगा हुआ है, इसका प्रयोग सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस सेंटेंस के अगर अपने ए बी सी पार्ट की बात करें, तो ए बी आपका सी और ये डी, तो यहां पर अदर का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका मतलब सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गई, बी, और ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन योर मदर एंड फादर। इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है स्टूडेंट्स, देखें, देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन योर मदर एंड फादर। तो यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट्स, हालांकि डिग्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और डिग्री से रिलेटेड है, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहे हैं, लेकिन आगे अपने डिग्री ही पढ़ने वाले हैं, तो डिग्री से रिलेटेड है एक्चुअली ये क्वेश्चन। ये डिग्री जब आप समझ लोगे तब कर पाओगे, मैंने बीच में वैसे ही आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन डाले हैं ये। देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन योर मदर एंड फादर। तो स्टूडेंट्स यहां पर कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो हाईली नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हायर, क्योंकि देन आ रहा है, हमें समझ में आ रही है कि बात कंपेरेटिव डिग्री की हो रही है, तो यहां पर हाईली जो है उसका प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, हायर का। देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हायर देन योर मदर एंड फादर। तो यहां पर गलती जो है ए बी पार्ट कर दें अपने इसमें, ए पार्ट ये, बी पार्ट ये, आपका सी पार्ट और ये डी पार्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है, यहां पर स्टूडेंट्स बी पार्ट में एरर है। तो यहां हमारा आंसर भी क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हिज थोरोली स्टडी ऑफ द बुक। थोरोली स्टडी ऑफ द बुक, स्टडी देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, स्टडी है यहां पर नाउन, और एल वाई वाले वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मेनर होते हैं, अर्थात एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब कभी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है। तो इसका मतलब एडवर्ब तो आएगा नहीं, अब एडवर्ब नहीं आएगा तो क्या आता है, कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव जो होता है ना उसमें एल वाई नहीं होगा यहां पर। तो
तो यहां पर सीधा होना चाहिए ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हिज थोरो स्टडी ऑफ द बुक। तो LY जो है ना ये यहां पर नहीं आना चाहिए। अगर LY नहीं आएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अभी ये क्या है, अभी ये LY लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है और एडवर्ब जो होता है वो नाउन की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए यहां पर एडवर्ब की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव की जरूरत है। और एडजेक्टिव कब बनेगा, जब LY नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस का ये ए पार्ट, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट, और ये आपका सेंटेंस का सी पार्ट, ये हो गया डी पार्ट, ये हो गया ई पार्ट। तो हमारा आंसर है सी के अंदर, तो आंसर हुआ सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन कहता है ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट हिज यंगर ब्रदर हैड गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। प्रेस्टिजियस जो होती है वो होती है शान की नौकरी, प्रेस्टिजियस जॉब। तो ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट हिज यंगर ब्रदर हैड गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या एरर हो सकती है, वो बताइए। इसमें साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स ही फेल्ट हैप्पी, हैप्पीली नहीं होगा, क्या होगा हैप्पी, क्योंकि इमोशन को बताने के लिए अपने इसको ऐसे लिखते हैं ही फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट हिज यंगर ब्रदर हैड गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब इन बैंक। तो ये सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है और आंसर भी क्या हुआ बी। तो ये कुछ एक डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि डिग्री में आपको क्या आता है, क्योंकि आगे हम जो है वो डिग्री को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिग्री भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होती है और आर्टिकल भी यहीं पढ़ेंगे और डिटरमिनर्स भी यहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं इसमें, अब हम बात डिग्री की ही करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे डिग्री के बारे में कि एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें किसी की तुलना, किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं होता है, तुलना नहीं की जाती है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें तुलना दो जनों के बीच में की जाती है, तुलना की जाती है। और अगर अपने बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है यहां पर एक की तुलना अनेक से की जाती है, एक की तुलना अनेक से की जाती है, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ओके, अब देखो ही इज ए गुड बॉय, क्या इस ही की तुलना किसी से हो रही है, नहीं हो रही। तो ये गुड जो है ना ये पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री है। फिर हम बोल रहे हैं आई एम बेटर देन यू, तो बेटर जो है ना ये कंपेरेटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि आई और यू की तुलना की जा रही है, ये आई एम बेटर देन यू, यानी कि गुड की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो बेटर होती है। फिर बोल रहा है कि ही, सॉरी यहां पर है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास की बात हो रही है कि पूरी क्लास में वो बेस्ट है। तो यहां पर एक की तुलना अनेक से की जा रही है और इस बेटर की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बेस्ट है। इसका मतलब गुड जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होती है, कंपेरेटिव डिग्री में दो जनों की तुलना होती है, सुपरलेटिव डिग्री में एक की तुलना अनेक से की जाती है। ओके, चले आगे। यहां पर कुछ डिग्री से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको इंपॉर्टेंट रूल ना मानकर चले आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं और इन्हीं से क्वेश्चन जो आता है। यहां पर हम पहले बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री से संबंध में कि अपने को पता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना उस संबंध में अपने को ये पता है कि एक तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम मोस्ट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर अपने ऐसे बोल दिया जाए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, और कंपेरेटिव डिग्री बनाना है जब मोर लिखेंगे, है ना। तो मोस्ट जब तब यूज किया जाता है जब किसी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो, और इससे पहले आर्टिकल दा भी आता है।
अब यहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं यूनिक, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट, एक्सीलेंट आपको पता ही है, परफेक्ट पता है, अनमैच्ड पता ही है आपको, अतुलनीय अतुलनीय बोलते हैं, अनपैरेलल जो पैरेलल नहीं हो, मेजर मुख्य, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीमली जैसे एडवर्ब होता है, पूरी तरह से, यूनिवर्सल पता है, ब्रह्मांड, सर्वमान्य सार्वभौमिक, होल संपूर्ण, कंप्लीट पता है आपको, फुल पता है, राउंड सर्कुलर पता है आपको, स्फेरिकल गोलाकार पता है आपको, ट्रायंगुलर जो है त्रिभुजाकार पता है, रेक्टेंगल आयताकार पता है आपको, पैरेलल गोल्डन मिल्की लूनर चंद्रमा से संबंधित, और सुप्रीम सर्वोच्च आइडियल होता है आदर्श। ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं? ये सब सुपरलेटिव डिग्री हैं और अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री हैं। जब अपने को कोई बोलता है कि भाई ब्यूटीफुल है पॉजिटिव डिग्री, इसको आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, तो हम क्या लगाएंगे? मोस्ट। बट इनको तो मोस्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां पर नोट को आप ध्यान दें, नोट पर, कि वी कैन नॉट यूज मोस्ट और मोर बिफोर दीज वर्ड्स, कि मोर भी नहीं लगाना इनसे पहले और इनसे पहले मोस्ट भी नहीं लगाना। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अक्सर लगाते हैं, बट ये जो वर्ड यहां पर दे रखे हैं ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री हैं, इनके साथ कोई मोस्ट का यूज हमें नहीं करना और ना ही मोर का प्रयोग करना है। मोर तो वैसे भी नहीं आता, कंपेरेटिव डिग्री में आता है, तो इससे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कोरोना इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ फॉर वर्ल्ड, फॉर होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के लिए कोरोना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर देखिए मेजर, यहां पर वर्ड आया है मेजर, और मेजर ये रहा, मेजर कौन सी डिग्री के लिए यूज होता है? मेजर जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है ये, तो इससे पहले आर्टिकल आता है वो तो बात ठीक है, लेकिन मोस्ट नहीं लगाना। यहाँ पर हमने नोट में यही तो पढ़ा है, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी अगर ए और बी और सी और डी की बात करें तो यहां पर जो है मेजर सुपरलेटिव डिग्री या मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी। हर ब्यूटी इज मोर अनमैच्ड, ये अनमैच्ड, अनमैच्ड भी सुपरलेटिव डिग्री है भाई। और यहां पर अपने पढ़ा था कि मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, इसने मोर लगा दिया यहां पर, ये मोर का भी प्रयोग यहां पर नहीं होगा। तो ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट था, ये सी और ये डी, तो बी पार्ट में एरर है। आंसर क्या हुआ यहां पर? बी। This is the most unique idea. Unique, ये रहा वर्ड unique, superlative degree है, और the तो आता ही है, but यहाँ पर जो most दे रखा है ये नहीं आएगा। तो इस sentence के भी कौन से part में error है? Students यहाँ पर भी error B part में है। ओके, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ये शब्द जो हैं सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड हैं। सुपरलेटिव डिग्री जिससे किसी पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो ये वर्ड अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री हैं, इनके आगे कोई मोस्ट या मोर का प्रयोग अपने को नहीं करना है। चलिए आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये कह रहा है कि सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रियर पोस्टियर पोस्टरियर और प्रेफर, ये जो शब्द होते हैं इनके लिए इस नोट को याद रखना है अपने को। क्या कहता है ये नोट? वी मस्ट यूज प्रीपोजिशन टू, प्रीपोजिशन टू का यूज करना है आफ्टर दीज वर्ड्स नोट कंजक्शन देन। इन वर्ड के साथ जब कंपैरिजन के लिए आते हैं, ये कंपैरिजन करने के लिए आते हैं, मतलब तुलना करने के लिए इन शब्दों का यूज होता है, और जब तुलना के लिए यूज होता है तो इनके साथ टू का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग नहीं करना। जनरली तो देन का प्रयोग करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, बट इन शब्दों के साथ तुलना करने के लिए अपने को किसका प्रयोग करना है? टू का, देन का नहीं करना। जैसे ही इज सीनियर देन मी, तो सीनियर वर्ड आ गया, ये रहा सीनियर, सीनियर के साथ तुलना कर रहे हो, ही की तुलना कर रहे हो मी के साथ, ही इज सीनियर देन मी, तो यहां पर जो है देन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? टू। आई प्रेफर टीचिंग इंग्लिश देन हिंदी, तो यहां पर कह रहा आई प्रेफर, प्रेफर आ रहा है ना यहां पर, ये रहा प्रेफर, तो यहां पर देन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? टू का। तो यहां पर इस रूल को अपने को नोट को याद रखना है
कि वी मस्ट यूज प्रीपोजिशन टू आफ्टर दीज वर्ड नोट कंजक्शन देन. टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, देन कंजक्शन का प्रयोग, टू प्रीपोजिशन आएगा देन कंजक्शन नहीं आएगा. और जनरली जो है कंपेरिजन करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, बट यहां पर नहीं करना है. अगला जो रूल है वो है इन शब्दों से संबंधित माइनर मेजर अल्टीरियर एक्सटीरियर. इन शब्दों के साथ अल्टीरियर क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्टीरियर होता है गुप्त सीक्रेट. गुप्त को बोलते हैं, सीक्रेट को बोलते हैं. और प्रियर क्या किसको बोलते हैं, प्रियर यहां आया था ना ये पूर्व, इसको बोलते हैं पूर्व. स्फेरिकल आपको पता ही है गोलाकार, वो पीछे बता ही दिया था मैंने आपको. पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का अर्थ होता है बाद का. प्रेफर जो होता है तुलना के लिए. इन्फीरियर जो होता है कम आंकना किसी को. सुपीरियर अधिक आंकना. जूनियर जो होता है कनिष्ठ होता है. सीनियर वरिष्ठ होता है. माइनर मेजर अल्टीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहरी होता है. तो ये कह रहा है कि वी कैन नॉट यूज मोर और मोस्ट बिफोर दीज वर्ड्स. इनके साथ मोर का भी प्रयोग नहीं करना और मोस्ट का प्रयोग भी नहीं करना. यहां पर बोल रहे हैं वी कैन नॉट यूज मोर और मोस्ट बिफोर दीज वर्ड्स. वी कैन नॉट यूज टू, टू और देन आफ्टर. इनके बाद टू और देन का भी प्रयोग नहीं करना और इनसे पहले मोर और मोस्ट का भी प्रयोग नहीं करना. ये याद रखना. यहां पर देखो इनके बाद तो तुलना के लिए टू का प्रयोग हो सकता था, देन का प्रयोग नहीं हो सकता था. बट ये जो वर्ड है माइनर मेजर अल्टीरियर एक्सटीरियर, इनसे पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग भी नहीं होता और इनके बाद टू और देन का प्रयोग भी नहीं होता. तो ये क्वेश्चन है दिस इज मोस्ट माइनर प्रॉब्लम. तो माइनर आ रहा है ये रहा, तो इससे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते. और आगे जो टू और देन है वो भी इसके साथ नहीं आता है. तो ये डिग्री से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल थे स्टूडेंट्स. तो इन्हीं से रिलेटेड अपने जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जब भी अपने कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं तो पूरे जो है टॉपिक को करने की जरूरत नहीं होती है. क्वेश्चन कहाँ से आता है बस वहीं से पढ़ना चाहिए और उसी से अपने को विजय मिलती है, सफलता मिलती है. अब डिग्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है उसकी बात करने के लिए हम इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही पढ़ेंगे. जो फालतू की चीजें हैं कि गुड की कंपेरेटिव डिग्री बेटर है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, बैड की क्या है, इस टाइप की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप जो है चुनिंदा चीजों को पढ़ो. जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं वो जानो, वहीं से क्वेश्चन आता है. तो ये जितने भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कॉमन एरर के क्वेश्चन बनते हैं. शुरुआत से देखें आज, अगर आज की तो यहाँ पर, यहाँ से हमने शुरू किया था. ये एक सीरीज है एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस. इनका एक निश्चित क्रम होता है, इसी क्रम से अपने को यहाँ पर लिखना है. सारे क्रम एक साथ नहीं पूछता है, कोई भी दो क्रम पूछे तो अपने को एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ तक का क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है. ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं, कोई डाउट हो तो आप बात करना. और डिग्रीज की बात करनी शुरू की है हमने आज. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीन डिग्री होती हैं. पॉजिटिव डिग्री में किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती और कंपैरेटिव डिग्री में दो जनों की तुलना होती है. सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें एक की तुलना अनेक से की जाती है. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो ये जो यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, ये सारे वर्ड सुपरलेटिव डिग्री के हैं. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट आता है, आर्टिकल द आता है, हमें पता है. बट ये शब्द जो है सुपरलेटिव डिग्री खुद ही हैं, इनको कोई मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाना. जैसे ब्यूटीफुल के आगे तो आप मोस्ट लगाओगे तब सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, बट ये तो ऑलरेडी बने हुई है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इनसे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं करना. मोर तो वैसे भी नहीं आ सकता, मोर तो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए आता है. बट एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट और मोर दोनों चीजें दे सकता है जो कि गलत होंगी. जहां मोस्ट होगा वो भी गलत है, मोर होगा तो भी गलत है. तो इन चीजों का अपने को वहां ध्यान रखना है. यहां पर कुछ और रूल्स की बात करें तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, ये तुलना करने के काम आते हैं. तुलना के साथ वैसे कंपैरिजन के साथ देन का यूज होना चाहिए, बट इनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा. देन लिखोगे तो गलत हो जाएगा. फिर है माइनर मेजर अल्टीरियर एक्सटीरियर. ये जो शब्द होते हैं इनके पहले ना तो मोर ना मोस्ट आएगा, ना ही इनके बाद टू और देन का प्रयोग होगा.
मतलब ये चारों जो है प्रोहिबिटेड है, मोर और मोस्ट पहले भी नहीं आएगा और टू और देन इनके बाद में भी नहीं आएगा, आएगा तो फिर वो सेंटेंस जो है वो एरर का सेंटेंस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आज हमने बात की है डिग्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अगली क्लास में थोड़ा सा डिग्री को और कंटिन्यू करके डिग्री के क्वेश्चन भी करेंगे और फिर एडजेक्टिव में आगे बढ़ेंगे। तो नमस्कार तब तक, और किसी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जो है सही से जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।